नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुटपाथ पर फर्नीचर वालों का कब्जा, सुबह का मुंबई विमान रद्द, बाजार में आया कच्चा आम। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। फुटपाथ पर फर्नीचर वालों का कब्जा। नागपुर सिटी में अतिक्रमण के हालात बेकाबू होते जा रहे। हर क्षेत्र और उसके आसपास फुटपाथों पर अवैध रूप से गैरेज, चाय नाश्ते के ठेले, फास्ट फूड और चाट पानी पूरी की दुकानें सजाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई यहाँ तो होती नहीं या नाम पात्र ही होती है। दस्ता एक रोड पर कार्रवाई कर हटता है तो उसी रोड पर कुछ ही समय बाद हालात जस के तस हो जाती है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो रही है, फुटपाथ भी बने हैं, लेकिन सभी और अतिक्रमणकारियों का ही बोलबाला है। राहगीरों के लिए पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर अतिक्रमण होने से मजबूरन लोगों को जान हथेली पर लेकर नीचे सड़क पर चलना पड़ता है। इंदौरा चौक से टेकानाका तक के मार्ग का भी यही हाल है। इस मार्ग पर तो दोनों ओर के फुटपाथ दुकानदारों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो वही दूसरी ओर सुबह का मुंबई विमान रद्द। मुंबई से सुबह 7:20 पर आने वाला इंडिगो का विमान रद्द कर दिया गया। यही विमान 7:15 को मुंबई रवाना होता है, इसे भी रद्द कर दिया गया। इस समय कोरोना के मामले बढ़ने के चलते विमान यात्रियों की संख्या भी काफी कम हो गई है। कई विमान के केवल 30% क्षमता से उड़ान भर रहे है। शहर में रोजाना आने जाने वाले यात्रियों की संख्या भी कम हुई है। विमानतल सूत्रों के अनुसार पहले की तुलना में 1000 यात्री कम हुए हैं। महाराष्ट्र से कई राज्यों में जाने के अलावा यहां आने वाले यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके चलते भी लोग यात्राओं से बच रहे हैं। तो वही तीसरी ओर बाजार में आया कच्चा आम। झुलसाती गर्मी से राहत दिलाने देसी आम की आवक बाजार में शुरू हो गई है, लेकिन दाम अधिक होने के चलते देसी आम आम आदमी की पहुंच से दूर है। इस समय थोक के मुकाबले चिल्लर बाजार में देसी कच्चा आम तिगुनी कीमत यानी ₹120 प्रति किलो में बिक रहा है। वही थोक में इसके भाव ₹30 से ₹40 प्रति किलो चल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अभी मार्केट में कच्चे आम की आवक बहुत कम है। व्यापारियों के अनुसार फिलहाल इसके भाव नीचे आने के आसार नहीं है। दाम अधिक होने के कारण लोग भाव पूछने के बाद खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मार्केट में अभी 200 से 250 बोरी की आवक साउथ की ओर से ही हो रही है। इसमें जब तक लोकल का माल शुरू नहीं हो जाता तब तक भाव उतरने की संभावना कम है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इस YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।